पीएम के दौरे से पहले सीएम गहलोत का ट्वीट, ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि पीएमओ कार्यालय में मेरा 3 मिनट का भाषण हटा, ये बयान दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा, तो ये बड़ा ट्वीट सामने आया है। सीएम ने कहा पीएमओ कार्यालय ने मेरा 3 मिनट का भाषण हटा दिया और ऐसे में आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। ये बड़ा ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं ट्वीट के माध्यम से राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री गहलोत का ये बड़ा ट्वीट आपको बता रहे हैं। दरअसल आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, कहा कि पीएमओ कार्यालय ने मेरा 3 मिनट का भाषण हटा दिया, ऐसे में मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि मैं ट्वीट के माध्यम से राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दरअसल उन्होंने कहा है कि पीएमओ कार्यालय ने उनका 3 मिनट का भाषण हटा दिया, ऐसे में वो भाषण के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं कर सकेंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ट्वीट किया है। तो देखिए प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट सामने आया। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पीएमओ कार्यालय ने मेरा 3 मिनट का भाषण हटाया है, ऐसे में मैं भाषण के माध्यम से आपका स्वागत नहीं कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ट्वीट सामने आया। ये ट्वीट भी आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट में लिखा है। दरअसल उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पीएमओ कार्यालय ने उनका 3 मिनट का भाषण हटा दिया था, ऐसे में वो भाषण के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपका ट्वीट के माध्यम से राजस्थान की धरा पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो बड़ा ट्वीट आपको बता रहे सीएम अशोक गहलोत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ट्वीट सामने आया जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने ये कहा कि पीएमओ ने उनका 3 मिनट का भाषण हटा दिया था, ऐसे में वो भाषण के माध्यम से प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान की धरा में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस ट्वीट की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ये ट्वीट सामने आया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पीएमओ कार्यालय ने मेरा 3 मिनट का भाषण हटा दिया था, ऐसे में मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी कहा है कि मैं आपका ट्वीट के माध्यम से राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेखावटी दौरे से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट सामने आया जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी हवा तेज हो गई। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार की ओर से सभी को बधाई देता हूं। और अरविंद पालावत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरविंद, देखिए पीएम के दौरे से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट सामने आया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीएमओ कार्यालय ने उनका 3 मिनट का भाषण हटा दिया था, ऐसे में वो भाषण के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं कर पाएंगे। क्या ताजा जानकारी आपके पास, किस तरह से देखते हैं इस ट्वीट को? जी बिल्कुल, देखिए पीएमओ से जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हुआ है उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीब 3 मिनट का संबोधन जो पूर्व में तय किया गया था वो संबोधन वहां पर हटा दिया गया। लेकिन आज से पहले जितने भी कार्यक्रम हुए हैं जिनमें वर्चुअली रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़े उसके अंदर मुख्यमंत्री का भाषण हर जगह हुआ है, हर प्रदेश में हुआ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी हर जगह पर भाषण जब राजस्थान में कोई प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ है उसमें हुआ, चाहे हम बीकानेर की बात करें या इससे पहले अन्य जो शासकीय कार्यक्रम है उनकी बात करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मेरा 3 मिनट का जो भाषण है वो यहां पर पीएमओ की ओर से हटा दिया गया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं आपका स्वागत करता हूं, जिस तरीके से राजस्थान में आप आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 महीने में 7वीं यात्रा उन्होंने बताई, साथ ही
पांच यहां पर डिमांड जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनका भाषण है वो अब नहीं होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना भाषण है वो यहां पर नहीं दे सकेंगे। तो ऐसे में पांच डिमांड उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से यहां पर लिखी है। उसमें है कि राजस्थान खासकर शेखावाटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए। ये पहली डिमांड है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो अग्निवीर स्कीम है उसको वहां पर वापस लिया जाए और उसकी जगह से परमानेंट भर्ती है वो यहां पर रखी जाए। साथ ही राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाली सभी कोऑपरेटिव बैंकों में 21 लाख किसानों को 15,000 करोड़ के कर्ज माफ किए। किसान कर्ज माफी की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है और उन्होंने कहा है कि 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ के जो ऋण है वो हमने माफ किए हैं। हमने केंद्र सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों को कर्ज माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है और इसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे, इस मांग को भी पूरा किया जाए। ये एक दूसरी डिमांड है वो की जाए, यानी किसान कर्ज माफी जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को घेर रही है उसी मुद्दे को लेकर के और अशोक गहलोत ने अपनी जो दूसरी डिमांड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यहां पर रखी है कि जो सेंट्रलाइज बैंक है, जो केंद्रीकृत बैंक है, उन बैंकों की जो कर्ज माफी है, उन बैंकों में जिन किसानों का लोन है वो माफ किया जाए और उसकी जो वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव है वो राज्य सरकार की ओर से भेजा जा चुका है और इसी प्रस्ताव को के तहत जो किसानों का जो अंशदान है, किसानों का जो हिस्सा है वो सरकार देगी, ये उन्होंने बात कही है। साथ ही तीसरी डिमांड यहां पर की गई है कि राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित करके भेजा है, केंद्र सरकार इस पर अविलंब जो निर्णय है वो करे, ये तीसरी डिमांड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई है। साथ ही चौथी डिमांड की यदि हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि एनएमसी की गाइडलाइंस के कारण हमारे 3 जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं है, ये पूरी तरह से स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं और इसके तहत उन्होंने यहां पर जो डिमांड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखी है कि इसमें केंद्र सरकार जो है अपनी 60% जो फंडिंग है वो यहां पर दे, यानी 100 में से 60% जो पैसा है वो केंद्र सरकार इन 3 मेडिकल कॉलेज में दे। साथ ही ERCP जो राजस्थान का अपने आप में एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, राजस्थान में कांग्रेस लगातार जो हमले हैं वो केंद्र सरकार पर बोल रही है ERCP को लेकर, तो ये भी मांग की गई है कि ERCP को राष्ट्रीय महत्व की जो परियोजना है वो यहां पर घोषित की जाए, ये एक डिमांड है वो की है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं उनसे निवेदन किया है और उसमें कहा है कि इन मांगों पर आज सकारात्मक रुख अपनाकर प्रदेशवासियों को आश्वस्त करने की जो बात है वो यहां प्रधानमंत्री की ओर से एक डिमांड जो है मुख्यमंत्री ने की है। साथ ही उन्होंने एक और बात यहां पर कही है, देखिए राजस्थान में कई जो 12 जो मेडिकल कॉलेजेस में 5 का उद्घाटन और 7 का शिलान्यास होने जा रहा है, तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि इन मेडिकल परियोजनाओं की लागत जो है वो करीब 3,689 करोड़ रुपए है, इसमें से 2,213 करोड़ रुपए जो केंद्र का पैसा है जबकि 1,476 करोड़ रुपए जो है राज्य सरकार की ओर से इनमें खर्च किया गया है। यानी उन्होंने यह भी बता दिया कि जिन परियोजनाओं का आप उद्घाटन करने जा रहे हैं उनमें से केंद्र का कितना पैसा है, राज्य का कितना पैसा, आप उनमें कितना पैसा दे रहे हैं और राज्य सरकार कितना है। लेकिन इस तरीके से जो भाषण हटाना जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक जो मैसेज है वो राजनीतिक गलियारों में जरूर इसकी आवाज जो है वो यहां उठती हुई दिखाई देगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर भाषण देंगे और उस दौरान जो वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर जुड़ेंगे, तो हो सकता है, संभवतः है, क्योंकि पूर्व में वर्चुअल रूप से जुड़ने का कार्यक्रम था लेकिन अब देखना होगा जब भाषण हटा दिया गया तो मुख्यमंत्री जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। जी अरविंद, देखिए अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि भाषण हटाने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से क्या अगला स्ट्रैटेजी रहती है उनके साथ ही, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से भाषण को हटाया गया अपने आप में राजनीतिक गलियारों में हवा तेज हो गई है, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी कि जिस तरह से उनका 3 मिनट का भाषण हटाया गया है, लेकिन आप एक खुददारी देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में तहे दिल से स्वागत भी किया है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज होती हैं उन स्ट्रेटेजी को समझना जो है वो अपने आप में बेहद मुश्किल यहां पर होता है और तमाम जो राजनीतिक दल है वो भी ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब कोई बात कहते हैं तो उसके कई बड़े मायने हैं वो यहां पर होते हैं, नपीतुली और सदी हुई बात कहने के लिए अशोक गहलोत को यहां पर माना जाता है, किस मौके पर क्या बात कहनी है वो उन्होंने यहां पर रख दी, प्रधानमंत्री का स्वागत भी कर दिया, प्रधानमंत्री को अपनी डिमांड भी कह दी, प्रधानमंत्री को यह भी बता दिया कि पीएमओ ने उनका 3 मिनट का भाषण है वो काट दिया, साथ ही जिन योजनाओं का आप उद्घाटन करने आ रहे हैं उनमें राज्य सरकार का कितना पैसा है, इसके बावजूद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण नहीं होगा तो उन्होंने तमाम जो चीजें हैं वो यहां पर सधी और नपीतुली भाषा में एक ट्वीट के माध्यम से तमाम जो चीजें हैं पूरे प्रदेशवासियों तक को बता दी, कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक बड़ा मैसेज जाएगा,
भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो भी इस बात को समझेंगे कि इस तरीके से जब केंद्र और राज्य सरकार के जब पैसे से जब कोई योजनाएं शुरू की जाती है और इन योजनाओं के अंदर यदि राज्य सरकार के जो मुखिया हैं उनका जब संबोधन नहीं होता, जब उनका उद्घाटन शिलान्यास होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक दुख और एक ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं एक उनके मन की जो व्यथा है वो यहां पर निकल करके और इस ट्वीट के माध्यम से भी सामने आती है। क्योंकि राज्य सरकार जब उन योजनाओं में पैसा लगा रही है, राज्य के अंदर आकर प्रधानमंत्री उन प्रशासनिक कार्यक्रम को यहां पर कर रहे हैं, हालांकि जो जनसभा है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित हो रही है, लेकिन जब प्रशासनिक कार्यक्रम होता है तो उसमें तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो वहां पर मौजूद रहता है, चाहे मुख्य सचिव की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री, एक राज्यपाल और या तमाम जो मंत्री हैं जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, चाहे कृषि मंत्री है वो वहां पर हों, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जो है वो वहां पर मौजूद हों, केंद्रीय कृषि मंत्री है वो वहां पर मौजूद रहे, और ऐसे में जब तमाम ये जो संबोधन है वो होंगे और उस कड़ी में जब मुख्यमंत्री का संबोधन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक गलियारों में अपने आप में एक ठीक मैसेज है वो नहीं कहा जा सकता है कि यदि इस तरीके से। अब देखना यह होगा कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो वर्चुअल रूप से उस कार्यक्रम में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस का जब उद्घाटन किया था उस दौरान खुद प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल रूप से जुड़े, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां पर पहुंचे, वहां पर जयपुर जंक्शन पर पहुंच करके राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ उन्होंने जो कार्यक्रम है उसकी वहां शुरुआत की और वहां पर जो अपनी बात थी, अपने जो तमाम मैसेज थे, अपनी जो तमाम मांगे थी वो प्रधानमंत्री तक बताई, और उसके बाद में भी लगातार जिस तरीके से शासकीय कार्यक्रम जब जब हुए हैं उन तमाम शासकीय कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जब जब भी इस तरह के कार्यक्रम हुए उसमें वर्चुअल रूप से जुड़े, चाहे दौसा में एक्सप्रेस हाईवे के उद्घाटन की हम बात करते हैं वहां पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो ऑनलाइन जुड़े, और इसके साथ ही जब उदयपुर दौरे पर जब आए तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जुड़े, बीकानेर में जब एनएचआई के जो प्रोजेक्ट्स थे 24,300 करोड़ रुपए के उन प्रोजेक्ट्स का जब उद्घाटन और शिलान्यास समारोह किया गया उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़े और अपना संबोधन दिया, लेकिन यह पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री के शासकीय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री का भाषण है वो राजस्थान में हटाया गया है। जी जी अरविंद, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाषण को हटाया गया है यहाँ पे बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी कि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने वाले हैं, लेकिन आप देखिए सीएम अशोक गहलोत को उनकी जादूगरी के लिए जाना जाता है, ऐसे में वो लास्ट मूवमेंट पे कुछ जादूगरी दिखा सकते हैं, यानी कि यूं भी कहें कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो उनका प्लान था वर्चुअली जुड़ने का वो भी शायद अब ना हो, क्योंकि उनके भाषण को हटा दिया गया, सूबे के मुखिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं तो वो भाषण के माध्यम से उनका स्वागत करना चाहते थे लेकिन उनके भाषण को ही हटा दिया गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं पहले कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के तहत जो भाषण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का करीब 3 मिनट का जो समय है वो मिनट कार्यक्रम के तहत जब तय किया गया था, क्योंकि उसकी जानकारी जो है वो पीएमओ की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाती है और एक तय प्रोसीजर होता है कि क्या जो संबोधन है कितनी देर का रहेगा, तो उसमें करीब 3 मिनट का जो समय है वो यहां पर तय किया गया था और उस 3 मिनट के समय को अब यहां पर मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय के पास पहुंचा है उस कार्यक्रम में वो जो 3 मिनट का जो संबोधन है उसको वहां पर हटा दिया गया है, तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़ने वाले थे क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई है, हालांकि इससे पहले भी जो कार्यक्रम है उसमें वे वर्चुअली ही जुड़े हैं और आज भी वे वर्चुअल रूप से जुड़ने वाले थे, जब वर्चुअल रूप से जुड़ते तो उनका जो संबोधन है वो यहां पर होता, ये संबोधन देशवासियों के साथ ही जो प्रदेशवासी है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होता, क्योंकि प्रदेशवासियों की ओर से जो ये तमाम डिमांड जो उन्होंने ट्वीट में लिखी है वो तमाम जो डिमांड है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उस मंच पर प्रधानमंत्री के सामने साझा की जाती, जहां से यदि वे चाहते तो उन डिमांड्स को यहां पर पूरा कर सकते थे और वो जो डिमांड है वो राज्य से जुड़ी हुई है, राज्य के लोगों से जुड़ी हुई है, राज्य की जनता क्या चाहती है वो तमाम जो चीजें हैं वो यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उस संबोधन के दौरान कही जानी थी, लेकिन अब चूंकि उस संबोधन को समय को हटा दिया गया है, 3 मिनट का जो समय है वो उनको नहीं दिया गया है, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो संबोधन है वो फिलहाल अभी तक के कार्यक्रम के अनुसार नहीं होगा, खुद मुख्यमंत्री ने इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दे दी है, तो ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री उस वर्चुअल का रूप से उस कार्यक्रम में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लगातार दिए जाते हैं, तो ऐसे में यह भी संभव है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ करके एक जो मैसेज है वो वहां पर देने की कोशिश करें और एक मैसेज ये दिया जाए कि आपकी ओर से जो संबोधन है वो हटा दिया गया, फिर भी एक मुखिया होने के नाते आपका स्वागत करने के लिए मैं इस मंच पर वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री के सामने यहां पर जुड़ा हूं, तो ये एक मैसेज देने की जो कोशिश है वो भी यहां पर हो सकती है, या अंतिम समय पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो भाषण दिया जाएगा उससे ठीक पहले यदि प्रधानमंत्री चाहेंगे
तो एक जो समय है वो उनको निर्धारित किया जा सकता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रधानमंत्री के कहने पर जो समय है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। तो देखना होगा क्या कुछ इस कार्यक्रम में रहता है, जब करीब 11:30 के आसपास ये जो समारोह है वो यहाँ पर शुरू होगा तो उस दौरान स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी। जी अरविंद, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने वाले हैं और अगर अब नजर डाली जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शेखावटी के दौरे पर तो 1.5 महीने के अंदर तीसरा दौरा है और आज कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव है राजस्थान में वो भी दिखाता है कि यहाँ पे चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, चुनावी बिगुल बज चुका है। लेकिन एक तरफ आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दौरे कर रही है यहाँ पे, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत के भाषण को हटाया गया तो राजनीतिक गलियारों में हवा तो तेज है ही, लेकिन आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से आज वोटर्स को साधने की कोशिश की जाएगी। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का ये दौरा बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए शेखावाटी की यदि हम बात करते हैं तो शेखावाटी में कुल जो 21 सीटें हैं वो यहाँ पर हैं और उनमें से 3 ही जो सीट हैं वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसमें चूरू, रतनगढ़ और सूरजगढ़ जो सीट है वो यहाँ पर बीजेपी के पास है। तमाम इनमें से 17 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पास में है और एक सीट जो है वो यहाँ पर बीएसपी के पास है, राजेंद्र हुड्डा की। हालांकि